ऑनलाइन क्लासरूम एक्सेलेंस लर्नर में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है आप लोगों के लिए उत्साह। ये उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आज हम इस कविता का लाइन बाय लाइन शब्दशः व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इस कविता की अंतर्निहित जो भाव है उस भाव को भी टटोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भी मैं आपको बताऊं कि उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद के ये एक प्रमुख स्तंभ माने गए और इनकी कविताओं में विद्रोह के स्वर भी हमेशा सुनाई पड़ते हैं। इसलिए बहुत सारे साहित्यकार आलोचकों ने इन्हें विप्लव कवि भी कहा है। तो आज हम इसी की व्याख्या करेंगे। लेकिन कविता में प्रवेश करने के पूर्व मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि आप जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, लाइक जरूर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कविताओं की व्याख्या के साथ आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर पाऊं। तो चलिए बिना समय गमाए हम प्रवेश करते हैं निराला की दुनिया में। कविता के शब्द को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यह जो कविता है निराला जी ने बादल के ऊपर लिखी। बादल निराला जी की कविताओं का हमेशा से एक मुख्य विषय रहा है, या यूं कहूं कि बादल निराला जी का एक प्रिय काव्य रहा है। निराला जी ने बादल के माध्यम से अपने अंदर के विद्रोह को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। तो चलें मैं कविता की प्रारंभिक कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए पढ़ूं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता भर दो बादल गरजो। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां इस बात को साफ दृष्टिगोचर करती है, संकेत करती है कि कवि ऐसे बादल की कल्पना कर रहा है जो गरज रहा हो। आज कवि को बादल के फव्वारे की आवश्यकता नहीं है, ये झीनी झीनी बूंदों की बात नहीं कर रहे, ये घनाघोर बरसात की बातें कर रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति सोए हुए हैं, जिनकी संवेदनाएं सुषुप्तावस्था को प्राप्त हो चुकी है, जिनकी संवेदनाएं शुष्क हो चुकी हैं, वे गर्जन से उठेंगे और बादल से जब बारिश की बूंदें धरती को चूमेगी, धरती पर गिरेगी, तो वह शुष्क मानसिकता वाले भी सजल हो उठेंगे। कविता की पृष्ठभूमि यूं है कि यह कविता तब लिखी गई थी जब अपना देश गुलाम था और बहुतेरे लोगों ने तो गुलामी के चादर को ही सोचने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन निराला जैसा व्यक्तित्व जिसके हृदय में विद्रोह के स्वर उमड़ रहे थे, विद्रोह के बादल घुमड़ रहे थे, वे कैसे इसे स्वीकार कर पाते। इसलिए उन्होंने अपनी कल्पनाओं के लिए बादल का सहारा लिया और वे कहते हैं, बादल आज तुम गरजो घेर घेर घोर गगन, आसमान को घेर लो। यहां पर देख रहे हैं घोर शब्द के अनुप्रास हो रहा है ना, घेर घेर घोर अनुप्रास अलंकार है इसमें। घेर लो आसमान को धराधर, धराधर बादल का ही एक पर्यायवाची शब्द है। बादल को ये कह रहे हैं कि बादल आसमान को गगन को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित 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 मतलब सुंदर, ये बादल काले हैं पर सुंदर हैं,
ये घुंघरू के तरह दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए घुंघराले भी हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। यहां पर कवि ने बादल का प्रतिचित्रण एक बाल कवि के रूप में किया है, जिनकी कल्पना में एक नया सृजन की उन्हें एक सुगंध दिखाई पड़ रही है। बाल कल्पना कैसे पाले, हे बादल तुम बाल कवि की कल्पना हो। और वह कवि कैसा है, विद्युत छवि उर्मे, कवि के हृदय में विद्युत मतलब बिजली, बिजली की छवि रहती है। आप देखते हैं कि बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो उसके बादल के मध्य में, बादल के में आपने बिजली की रेखाओं को बनते बिगड़ते देखा होगा। कवि कहता है यह बादल अपने हृदय में विद्युत को छुपाए रखता है, जैसे कि कवि अपने हृदय में विद्युत को छुपाए रखता है। विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। कवि के लिए ये बादल भी ऊर्जा और ऊष्मा के साथ आया हुआ है, जो नया जीवन का संचार करेगा। कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। वज्र छिपा, वज्र एक प्रकार का हथियार है, इंद्र का हथियार वज्र माना गया है। दूसरा वज्र मतलब होता है पत्थर भी। तो कवि कह रहे हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता जी फिर भर दो, कि वज्र रूपी कविता तुम भर दो, जिस एक ऐसी कविता तुम जगाओ, एक ऐसी कविता का सृजन करो जो कि वज्र के तरह हम उसे हथियार के तरह उपयोग में ला सकें। क्योंकि जब तक कवि नहीं जगेगा, नया सृजन नहीं करेगा, नई मानसिकता नहीं आएगी, तब तक गुलामी की यह चादर हम फेंकेंगे नहीं। इसलिए कवि मांग कर रहा है बादल से कि हे बादल तुम आसमान को घेर लो, आज तुम जोर से चिघाड़ो, बरसो, ताकि हमारी जो यह मानसिकता सो गई है, गुलामी की जो चादर हमने ओढ़ रखी है, इसे हम उठाकर फेंक पाए और एक नया जीवन का संचार कर पाए। आगे, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, कवि कह रहा है कि इस तरह की जो एक परिस्थिति आन पड़ी है उसमें मन उन्मन है, मन लग नहीं रहा, मन कहीं बस नहीं रहा, वह अशांत हो चुका है। क्यों, विश्व के निदाघ, ये विश्व में जो पूरी की पूरी निदाघ आ गई है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, जिसने सभी को विकल कर रखा है, इस निदाघ से सकल जन विकल हैं, उन्मन हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। इसलिए अज्ञात दिशा, जब बादल छाते हैं ना तो किधर से आते हैं यह बता पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि चारों ओर से तो वे आते जाते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कवि ने कहा आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और इतने आए कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। और वे क्या कर रहे हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल आज निदाघ से, इस ग्रीष्म से पूरी की पूरी धरा पीड़ित है, आस टकटकी लगाए वो तुम्हारी ओर देख रही है। हे बादल बरसो, बरस कर शीतल कर दो पूरी धरा को, एक नए युग का सूत्रपात कर दो, एक नया जीवन भर दो। ठीक ना, तो मैं फिर से दोहराऊं, यह एक उत्साहवर्धन उद्बोधन गीत है। इसमें बादल को माध्यम में रखकर कवि ने नई सृजन की कल्पना की है, आस की है। कविता के पूर्वार्ध में बादल को कवि ने एक कवि के रूप में ही चित्रित किया है, इस कवि के रूप में जिसके की हृदय में, जिसके की उर्मे विद्युत भरा हुआ है, और उस विद्युत उत्साह से वह नूतन सृजन करेगा, वह नूतन कल्पनाओं को जन्म देगा, जिस कल्पनाओं का
वज्र बनाकर हम वर्तमान की जो यह परिस्थिति है उस पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। कविता के उत्तरार्ध में कवि ने बादल को बादल के रूप में चित्रित किया है, उससे कामना की है कि इस धरती पर जो त्राहिमाम मचा हुआ है ग्रीष्म के आघात से, आज उस आघात से बचाने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए बादल बरसेंगे और इस धरती को तृप्त शीतल कर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी, इसलिए बिना समय गमाए मेरे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद आपका।